आइए अधिक जानकारी के लिए हम आपको लेकर चलते हैं फ्रांस, प्रोफेसर गोल्डन हेयर के पास। अरे दीदी, फ्रांस लेकर जा रहे हैं हम लोगों को। लेडीज एंड जेंटलमैन, 25 इयर्स अगो वी हैड प्रेडिक्टेड दैट द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड ऑन द 20th ऑफ अगस्त 2012. I would like to inform you that next month, the 20th, will be the end of. अब हम आपको लिए चलते हैं सीधा हिमालय पर्वत बाबा पूज्यानंद जी के पास। आह जय हो। अब्बा देखो स्नो फॉलिंग हो रही है। हाँ। बर्फ गिर रही है। हाँ। हमको ठंड लग रही है। बाबा वैज्ञानिकों के अनुसार ये दुनिया 20 अगस्त को खत्म हो जाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए बच्चा, कलयुग जाएगा तभी सतयुग आएगा। और ये बात तो हम आज से नहीं 160 साल से कहते आए हैं बच्चा। इसका मतलब सचमुच दुनिया खत्म हो जाएगी? निश्चित रूप से, शत प्रतिशत दुनिया का अंत। तो इसका मतलब इस विनाश से कोई नहीं बचेगा? बचेंगे, लेकिन केवल 5% व्यक्ति, केवल 5। केवल 5%। वैज्ञानिकों के साथ साथ साधु महात्माओं और पीर फकीरों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि आने वाले 20 अगस्त को सचमुच ये दुनिया खत्म। कैमरामैन जोजो के साथ मैं राजन सिंह, न्यूज 77 हिमालय पर्वत से। तो देखते रहिए न्यूज 77। नमस्कार, अब हम बता दें कि इस दुनिया का अंत राशि के अनुसार किस किस तरह होगा। तुला राशि वाले तुल के मरेंगे, मीन वाले चीन जाके, और जिनकी राशि मकर उनको खा जाएगा मगर, और जिनकी राशि कर्क वो सीधे जाएंगे नर्क। राशि जिनकी मेष उनके दिन नहीं अवशेष, राशि जिनकी वृश्चिक उनका मरना निश्चित। ब्रेकिंग न्यूज, सन 2012, महीना अगस्त, तारीख 20। जी हाँ, सिर्फ 20 दिन के बाद ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मुकुंदी बाबू, आप ऐसा अशुभ टीवी घर पर लाए क्यों? अरे मामा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया का? अरे दिमाग तो पिताजी का खराब होता था ना, ये पनौती घर पे लाते और ना ही दुनिया का विनाश होता। ये आपने अच्छा नहीं किया मुकुंदी बाबू। अरे मामा, इसमें बेचारे जीजा जी का कहा दोष होंगे? अरे तुम तो चुप रहो एलिजा यार, बेकार की बात करते हो। जी टीवी वापस दे दो, अब बगैर टीवी के रह लेंगे लेकिन कम से कम जिंदा तो रहेंगे। परिंदुमती पर कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते। ये टीवी को वापस दे दो, ये बहुत मनहूस टीवी है। जब से ये टीवी ने हमारे घर पर कदम रखा है, मनहूस खबर ही सुनाए तेर जा रहा है। अरे मुकंदी भैया, पापा कसम बिल्कुल सही कह रही माय डियर आंटी। लपाड़ा मारेंगे। टेक इट इजी। अबू, क्या सच में 20 अगस्त को कयामत आने वाली है? बेटा, अल्लाह बड़ा है इसीलिए बंदा खड़ा है, और उसके आगे किसका जोर चला है जो उसे मंजूर। पहले ये टीवी हमारी नजरों से करो दूर। वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं। और इसे दूसरी टीवी है हमारे पास, लेकिन विद्या रानी कसम दोनों में से किसी ने भी ना ऐसी बुरी मनहूस खबर नहीं सुनाई। ये सब दिखाने वाले कतूर है। अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया का? और ललन जी, आप तो कसम से
सबसे बड़े पगलेट हैं। अरे अगर हम ये टीवी नहीं लाते तो का तो का समाचार बदल जाते। सब अपने अपने घर जाओ, चलो। तुम कहाँ जा रही हो? हमारे घर। अरे तुम्हारा घर तो यही है, चलो। तो जो होगा 20 अगस्त को ही होगा। जान आ गया क्या? अरे तो कुछ कीजिए ना, इतने बड़े मंत्री तो हैं। क्या करें, धरना दें, ये प्रश्न उठाएं संसद में, रेल रोको आंदोलन छेड़ दें। मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए ना, वो तो कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। अरे भगवान, मुख्यमंत्री जी तो क्या, प्रधानमंत्री जी भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। तो इतने बड़े नेता काहे को बने फिरते हैं जब आपकी इतनी भी नहीं चलती। अरे पप्पू की माँ, संसद में हम एक दूसरे पर चप्पलें उछाल सकते हैं, उन्हें गालियां दे सकते हैं, कुर्सियां उठा उठा के उन्हें मार सकते हैं, पर भला भगवान भगवान से हम कैसे लड़े जब उसने ये फैसला ले लिया है कि दुनिया खत्म तो खत्म। देश का नेता कैसा हो? बनवारी लाल जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? बनवारी लाल जैसा हो। जब तक सूरज चांद रहेगा, बनवारी लाल तेरा नाम रहेगा। अच्छा, जिंदाबाद। आज से हमारी जय जयकार बंद। 20 दिन के बाद जब हम रहेंगे ही नहीं तो फिर हमारा नाम क्या खाक रहेगा? चलो अपना अपना काम करो, निकलो यहाँ से। अरे 20 दिन बाद तो सब चले जाएंगे, पता नहीं हमारा क्या होगा। अरे चुकू, भाग्य लक्ष्मी। अरे बेटा 8 बजने वाले, स्कूल के लिए देर हो जाएगी, उठो 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 उठो। क्या पापा, सोने दो ना। 8 बजने वाले हैं बेटा। पापा अब तो छुट्टियां हैं, थोड़ी देर और सोने दो ना। छुट्टी? किस बात की छुट्टी भाई? अम्मा ने कहा है आज से स्कूल जाना बंद। हाँ पापा, अम्मा ने कहा है कि आज से आप दफ्तर नहीं जाएंगे और हम स्कूल। अरे लब लब आ गई है तुम्हारी अम्मा। अम्मा ने कहा है। ए जी, ए जी, लगता है तुम्हारी अम्मा पानी भरने गई है। ए, चलो दोनों उठो। अरे उठो 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 उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, कोई छुट्टी मुट्टी नहीं है। चलो खड़ो 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 खड़ो, चल 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 चल। अरे खाओ बेटा, जल्दी खाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ का है? अरे हम बोले थे ना आज से स्कूल की छुट्टी है। हा? कोई छुट्टी नहीं होगी। छुट्टी होगी? नहीं होगी। होगी। अरे हम कह रहे हैं ना नहीं होगी। अरे वो 20 अगस्त, 20 अगस्त आई का, बोलो 20 अगस्त आई का। नहीं। तो जब आएगी तब देखेंगे, ठीक है? चलो बेटा हो गया, अब चलो स्कूल, चलो 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 चलो, चलो। आओ। अरे? शाबाश। आओ। हाँ मौसी, अब तो बस ऊपर वाले का ही सहारा है, या खुदा रहम। हे बजरंग बली, हे मारुति नंदन, हे पवन पुत्र, हे अंजनि सुत्र मारुति नंदन, पवन पुत्र अंजनि सुत्र मारुति नंदन। मौसी हाँ। अब आगे भी तो बोलो। हाँ, हनुमान जी देखो, कुछ करो, दुनिया खत्म होने से बचा लो। देखो
हम पूरे 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। बस ये दुनिया खत्म नहीं होनी चाहिए। हमको बहुत डर लग रहा है। आला, डरे हुए तो हम सभी हैं। कल रात को सलीम आपा ने बहुत डरावना ख्वाब भी देखा था। ख्वाब तो ख्वाब होते हैं और अक्सर खराब होते हैं। मिर्जा साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैंगे। कल रात हमने भी बहुत ही खराब और भयानक सपना देखा। हमने देखा कि हम अपनी दुकान पर बैठे हैंगे, तभी जोर से हवा चलने लगी, बहुत तेज, और तुम उड़ गए। अरे मामा, पहले सुन लो यार। फिर अचानक हवा रुक गई, जोर से बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और आसमान से भगवान की आवाज आई, अब ये दुनिया खत्म होने वाली हैंगी। अरे क्या भगवान भी हैंगी बोल रहे थे? अरे चुप रहो मामा। लीजिए, फिर क्या हुआ? दुनिया खत्म हो गई? अरे जीजा जी की वाइफ के जीजा जी, इससे पहले दुनिया खत्म हो पाती, डर के मारे हम खुद ही खत्म हो गए। ओहो, धत तेरे की। क्या यार एलिजा, कम से कम सपने में तो देख लेते कि दुनिया कैसे खत्म हो रही है। तुम तो सपने में भी निकम्मे निकले। निकम्मे तो वैसे पिताजी थे। अरे मम्मिया ससुर जी, डीपली चुप हो जाइए। मिर्जा साहब, आप तो बहुत ही समझदार इंसान है डीपली घुस के, हालांकि आप दिखते नहीं है, आप तो बता सकते हैं ना कि दुनिया खत्म कैसे होगी। मियादी जी, बस खुदा बचाए, बस यूं समझ लीजिए कि कयामत के दिन बहुत ही खौफ ज़दा मंजर होगा। जलजला आएगा। क्या होता है? जलजीरा की तरह होता है का? आपा, जलजला मतलब भूचाल, समझा करें। और क्या होगा? तूफान उठेगा, जमीन फट जाएगी, आसमान से कहर बरपेगा। ये सूरज जमीन के इतनी नजदीक आ जाएगा कि पलक झपकते ही सब राख हो जाएगा। फिर अल्लाह हर शख्स से हिसाब करेगा। मामिया, थोड़ी सी नजर दौड़ाइए तो आप पाएंगे, कुदरत बहुत दिनों से कयामत की तरफ इशारा कर रही है। ये क्या हुआ? ये जापान में सुनामी आई थी, अमेरिका में कैटरीना आया था। मिर्जा साहब, आप हमें बेवकूफ समझते हैं? क्यों? अरे कैटरीना आता नहीं, आती है। चिकनी चमेली छत पर अकेली पौवा चढ़ा के आई, और आप कह रहे हैं कैटरीना आता है। मियां मामा, आप रहेंगे छोटू के छोटू। अरे भाई, आप बात कर रहे हैं फिल्म स्टार कैटरीना कैफ की, और हम बात कर रहे हैं उस तूफान की जो आया था अमेरिका में, जिसका नाम था कैटरीना। इसका मतलब इस बार करीना आएगा? ओ अल्लाह की मर्जी है। लेकिन मिर्जा चाचा, अल्लाह, गॉड, भगवान, वाही गुरु ऐसा क्यों करना चाहते हैंगे? अरे इस धरती पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हैंगे। वैसे हमसे किसी ने कुछ कहा नहीं, कहने फिर भी हम कह रहे हैं। देखो एलिजा, ऐसा है कि भाई इस धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है, आदमी आदमी का दुश्मन हो चुका है, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ईर्ष्या, जलन, यही तो है कलयुग, जो कि 20 तारीख को खत्म होने वाला है। ये बात तो बिल्कुल सही है मौसी, कलयुग जाएगा तभी तो सतयुग आएगा। लेकिन ये जो सतयुग जो है, वो देखने के लिए हम में से कौन ना बचेगा? हमने तो आज रेडियो पे सुना था कि सौर मंडल में बहुत हलचल मची हुई है। हाँ मौसी, रेडियो पर तो ये भी बता रहे थे कि 20 तारीख को सारे ग्रह आपस में टकरा जाएंगे और एक जोरदार धमाका होगा, आसमान से पत्थर बरसेंगे,
ये बड़े बड़े पत्थर मौसी, सौ सौ किलो के पत्थर गिरेंगे। ओहो, अगर हल्के हल्के पत्थर होते तो हम उन्हें कैच कर लेते। वैसे कैच तो पिताजी किया करते थे जब अम्मा उन पे चप्पल फेंक के मारती थी। अरे चुप रहो मामा। मिया मामा, हल्के पत्थर भी गिरेंगे, अगर जिंदा बच जाइएगा तो कैच कर लीजिएगा। मिर्जा साहब, 100 ग्राम के भी पत्थर गिरेंगे का? हो सकता है, लेकिन क्यों? दरअसल हमारा 100 ग्राम का बट्टा खो गया था, इसलिए पूछ रहे थे। अबे सुत्ती लाल, पापा कसम तुम भी बहुत बड़े वाले बुकराज निकले बे। अबे दुनिया खत्म होने के बाद जब कोई बचेगा ही नहीं तो ये 100 ग्राम के बट्टे क्या करोगे? जलेबी तोल के मुर्दों को खिलाओगे क्या बे, खुद मुर्दे बन के? सब खत्म हो जाएगा, सब सब कुछ, हर चीज। कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बचेगा। गलत, एकदम गलत। सब कुछ खत्म नहीं होगा क्योंकि हम बचेंगे। हम क्यों? तुम कौनो खास हो का? हाँ, इसीलिए हम बचेंगे। अरे यार ये, अरे मामा वो कैसे? अरे याद है ना पूज्यानंद जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सिर्फ 5 प्रतिष्ठित लोग बचेंगे। अरे मामा 5 प्रतिष्ठित नहीं, 5% लोग बचेंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि उन 5% लोगों में लापतागंज का छिछोरा छोटू मामा भी होगा। लल्लन जी, लगता है आपकी याददाश्त खत्म हो गई है। अरे कल ही तो मामा चरकुट लाल जी ने कहा था कि हमारी तीसरी शादी होगी, और हमारा उन्होंने मस्तक भी पड़ा था, ये मस्तक। अरे मम्मिया ससुर जी, इतना भी डीपली घुस के मत दिखाइए मस्तक। दुनिया खत्म हो रही 20 को, आप निकल लेंगे 10 तक। जैसी शकल वैसी अकल। अरे बस हम छोड़ो सतीलाल, जरा रेडियो बजाओ और उसमें सुनते हैं कि क्या ताजा खबर है। बजाओ बजाओ। अरे ओ हमरे समोसा, जल्दी करो, मौसम खराब हो रहा है, लगता है बहुत जोर से तूफान आने वाला है। मिर्चा, कहीं आज ही तो नहीं दुनिया खत्म? अरे कभी तो सुब सुब बोला करो। सुब 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 सुब। अरे कहाँ सुब सुब किए जा रहे हो? तुम ही तो कह रही हो कुछ सुब सुब बोला करो। लगता है तुम्हारे बालों के साथ साथ तुम्हारी अकल भी झड़ गई है। गुस्सा गए का? अरे नाराज मत हो, अरे मान जाओ ना, अरे मान जाओ नहीं तो उठा के पटक देंगे। अच्छा तो ऐसे नहीं मानोगे हैं? अरे बोलो मानते हो कि नहीं? अरे मान गए मान गए। अच्छा अब चलो चलते हैं। तुम चलो, हम अभी आते हैं। ठीक है, देर मत करना है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.